दोस्तों, सभी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बगल में आ रहे इस घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमाकांत रावत आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण एवं अम्ल वर्षा। तो आज इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहां पर बर्फ ज्यादा होती है, ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां पर कुछ उच्च तापमान पर उगने वाले पौधों को उगाने में बहुत दिक्कत होती है, वहां पर उच्च तापमान वाली फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए वहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में कांच के घर बनाए जाते हैं, इस टाइप से ठंडे स्थानों पर कांच के घर बनाए जाते हैं और उनके अंदर पौधों को लगा दिया जाता है। कांच के घरों के अंदर पौधों को इस प्रकार लगा दिया जाता है। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, ये कांच को पार करके अंदर चली जाती हैं। सूर्य की किरणें कांच को पार करके अंदर चली जाती हैं और यहां पर टकराने के पश्चात ये परावर्तित होती हैं। लेकिन जो कांच है इसको बाहर नहीं जाने देता है और ये जो किरणें हैं इस कांच के घर के अंदर ही बनी रहती हैं। सूर्य की इन किरणों के कारण जो कांच के घर हैं उनके अंदर का जो तापमान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पर इन पौधों को आसानी से उगा सकती है। और ये जो घर के अंदर, कांच के घर के अंदर जो पौधे उगाए गए हैं, इन पौधों को ग्रीन हाउस पौधे कहते हैं। और ये किसके अंदर उगाए जाते हैं, ग्रीन हाउस के अंदर उगाए जाते हैं और इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग ये जो है ये ठंडे प्रदेशों में पौधों को उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक इसी प्रकार सूर्य की जो किरणें हैं ये पृथ्वी तल है, ये पृथ्वी तल होता है और यहाँ सूर्य से किरणें आती हैं, पृथ्वी तल पर टकराती हैं। टकराने के बाद इनकी जो वेग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेग के कम होने के कारण यहाँ पर वायुमंडल में कुछ गैसें होती हैं और ये गैसें इन किरणों को अंदर तो आने देती हैं लेकिन इन किरणों को इस वायुमंडल से परावर्तित होकर वापस बाहर नहीं जाने देती हैं, जिससे यहाँ का तापमान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है और इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी कौन सी गैसें हैं जो कि इन्हें सूर्य की किरणों को वापस बाहर नहीं जाने देती हैं। तो ये गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं और इन गैसों में CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख होती हैं। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस होती है वो होती है 60% CO2 और 20% मीथेन और CFC 14% और नाइट्रोजन ऑक्साइड 6% होती है। जो CO2 गैस है ये औद्योगिकीकरण कारखाने हैं ईंधन के जलने से वातावरण में मुक्त होती है और जो मीथेन है ये मार्स गैस कहलाती है, दलदलों से निकलती है और वातावरण में मुक्त होती है। धान के खेतों से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, रोतने वाले जानवर हैं, उनके मन से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और वातावरण में लगभग 20% ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, फॉर्म वगैरह है, उनमें किया जाता है, स्प्रे वगैरह है, इसमें CFC का उपयोग किया जाता था, 14% है। और नाइट्रस ऑक्साइड 6% नाइट्रोजन उर्वरकों के कारण ही और ईंधनों के दहन के कारण भी नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होती है, पेट्रोल डीजल के दहन के कारण भी वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड मुक्त होती है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, चूंकि इन ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण
वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है, तापमान पृथ्वी का बढ़ता है, वायुमंडल का तापमान अगर बढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर जो पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर पहाड़ जो होते हैं उनके पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो आसपास जो भी समुद्र तटीय इलाके हैं वो पानी में डूब जाएंगे। पादपों की जैविक क्रियाओं में भी परिवर्तन आएगा। जब तापमान उच्च होगा तो उससे पादपों की जैविक क्रियाएं बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी और समुद्री जीव जंतु तो लगभग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे उससे। और यहाँ पर जो वातावरणीय जो मौसम परिवर्तन है, जो जलवायु है, उनमें भी वैश्विक तपन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा पड़ेगा, तो इस टाइप से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अम्ल वर्षा, एसिड रेन या अम्ल वर्षा जो है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है, सर्वप्रथम जो एसिड रेन शब्द दिया है वो दिया था 1872 में रॉबर्ट ऑगस्ट नामक वैज्ञानिक ने। क्या दिया था? एसिड रेन जो शब्द है सर्वप्रथम दिया था। और अम्ल वर्षा किस टाइप से होती है? तो वातावरणीय प्रदूषण उद्योग हैं, जो ईंधन है उनको जलाने से, उद्योगों से, कारखानों से, ज्वालामुखियों के फटने से वातावरण में वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण में अनेक जो गैसें हैं, SO2 है, NO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो गैसें हैं वातावरण में मुक्त होती है। और इन गैसों के मुक्त होने से वातावरण में एक परत के रूप में ये जमा हो जाती हैं। जब वर्षा होती है तो ये गैसें वर्षा के जल के साथ क्रिया करती हैं। वर्षा का जल H2O से वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्रिया करेगी और ये बनाती है H2SO3। तो ये वर्षा का जल है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वायु प्रदूषण के द्वारा मुक्त होती है, और ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। इसी प्रकार जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये भी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इसी प्रकार NO2 भी HNO2 और HNO3 नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो अम्ल वर्षा का मतलब है कि जो वातावरणीय गैसें हैं, प्रदूषित गैसें हैं, ये वर्षा के जल के साथ क्रिया करती हैं और विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण करती हैं। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये सभी अम्ल जो हैं वो वर्षा के साथ ही पृथ्वी पर आ जाते हैं, उसी को अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा या एसिड रेन जो शब्द है वो दिया था 1872 में रॉबर्ट ऑगस्ट। सामान्य रूप से जो जल का पीएच वैल्यू होती है वर्षा के जल की, वो होती है 7। मतलब जल जो है वो उदासीन होता है, लेकिन जो एसिड रेन है इसका पीएच जो है वो 5.7 या इससे भी ज्यादा हो सकता है। एसिड रेन जहां पर होती है, लाइकेन जो कि सहजीवी जीव हैं,
और ये लाइकेन अम्ल वर्षा के प्रति संकेतक का काम करते हैं, वायु प्रदूषण के प्रति लाइकेन इंडिकेटर का काम करते हैं, और ये उन स्थानों पर नहीं उगते हैं जहां पर अम्ल वर्षा अधिक होती है। अब अम्ल वर्षा का इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अम्ल वर्षा के कारण जो इमारतें होती हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, इन सभी को इसका बहुत ही दुष्प्रभाव इन पर पड़ता है। एसिड रेन के कारण ही जो वायु प्रदूषण है, एसिड रेन है, इनके कारण जो ताजमहल है उसका रंग हल्का पीला पड़ रहा है, इमारतों का क्षरण हो रहा है, पौधे की जैविक क्रियाएं प्रभावित हो रही हैं, जंतु जो हैं वो भी दुष्प्रभाव, जंतुओं में अनेक प्रकार के यकृत लीवर संबंधी जो रोग हैं अधिकांशतः एसिड रेन के कारण हो रहे हैं। इसके अलावा मोतियाबिंद रोग है, स्किन कैंसर है, ये अम्ल वर्षा के कारण प्रमुखता से होता है। दोस्तों अगला टॉपिक है ओजोन परत अपक्षय या ओजोन परत क्षरण, जिसे ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के आगे की ओर होता है समताप मंडल, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। इसी समताप मंडल में O3 गैसों का एक मोटी परत पाई जाती है, उस O3 गैसों की जो परत है उसको ओजोन परत कहा जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई है वो लगभग 0.3 ppm होती है, पार्ट पर मिलियन होती है, या फिर 330 DU मतलब डॉप्सन यूनिट, जो डॉप्सन यूनिट है या डॉप्सन इकाई है ये ओजोन परत की इकाई कहलाती है। ओजोन परत को इसमें मापा जाता है डॉप्सन यूनिट में। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, और इसकी जो मोटाई है वो होती है 0.3 ppm या 330 डॉप्सन यूनिट इसकी मोटाई होती है। अब इसका जो बढ़ते हुए वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण जो ओजोन परत है इसका लगातार क्षरण हो रहा है, ओजोन परत लगातार नष्ट हो रही है, और नष्ट होने के कारण इसकी जो मोटाई है वो कम रह गई है। उसी मोटाई का कम रहना ही वैज्ञानिकों ने उसे ओजोन छिद्र नाम दिया है। अब ये क्या काम करती है, ओजोन परत क्या काम करती है, तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी तल पर आने से ये क्या काम करती है, रोकने का काम करती है। इसलिए ओजोन परत है जो वो एक पृथ्वी का एक रक्षात्मक कवच होता है, और पृथ्वी का रक्षात्मक कवच है जिसके कारण पृथ्वी के जीव जंतु जीवित बने रहते हैं। ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पड़ता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रभाव के कारण ही जो ओजोन परत है वो क्या हो रही है, डिमेज हो रही है, नष्ट हो रही है। इसी को ओजोन परत अपक्षय या ओजोन परत क्षरण कहते हैं। CFC जो है वो एयर कंडीशनर AC है और रेफ्रिजरेटर है, इससे वायुमंडल में मुक्त होती है, और ये सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये O3 से क्रिया करती है। सबसे पहले इसका डिफ्लेशन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का डिफ्लेशन होता है, और CF2Cl+Cl एक मूलक बनता है, क्लोरीन मूलक बनता है। ये जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या मुक्त करते हैं, तो क्लोरीन मूलक ये मुक्त करते हैं। ये जो क्लोरीन मूलक है यही क्लोरीन मूलक O3 मतलब ओजोन से क्रिया करते हैं, और ये क्रिया करके ये बनाते हैं क्लोरीन का ऑक्साइड +O2। तो यहाँ पर तीन ऑक्सीजन के जो परमाणु थे, एक ऑक्सीजन का परमाणु जो है वो क्लोरीन ने अलग कर दिया है, ये ऑक्सीजन बची हुई है, अर्थात ओजोन का यहाँ पर क्लोरीन मूलक के द्वारा क्या हो गया है, विघटन हो गया है। इस प्रकार लगातार जो क्लोरीन है, लगभग एक क्लोरीन मूलक जो है वो 1,00,000 तक ओजोन के कणों को
डैमेज कर सकता है और या ओजोन के कणों को नष्ट कर सकता है। ये क्षमता होती है एक क्लोरीन मूलक में लगभग 1,00,000 O3 के अणुओं को विघटित करने की क्षमता होती है। किसमें? क्लोरीन मूलक में। इसके कारण इसकी जो मोटाई है वो कम होती जा रही है और ओजोन परत की मोटाई का कम होना ही ओजोन क्षरण कहलाता है। इसके लिए पूरे विश्व में ये एक चिंता का विषय है और अंटार्कटिका में सन 1980 में अंटार्कटिका में ओजोन क्षेत्र देखा गया है और यहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो कम आती गई है। ओजोन परत की जो मोटाई है वास्तविक मोटाई से अंटार्कटिका में इसकी जो मोटाई है वो कम पाई गई है। उसी को वैज्ञानिकों ने क्या कहा? ओजोन क्षेत्र का ओजोन क्षेत्र इनकी मोटाई में कमी होना ओजोन क्षेत्र माना गया है। और उससे क्या होगा कि वहां की जो वनस्पतियां हैं वहां के जो जीव जंतु हैं वो उससे प्रभावित होंगे। अगर ओजोन परत का क्षरण होता गया तो इससे क्या होगा कि जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने लगेंगी और पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी का जो जीवन स्तर है वो प्रभावित होगा। पौधों की जैविक क्रियाएं प्रभावित होंगी, जंतुओं की जैविक क्रियाएं प्रभावित होंगी, विभिन्न प्रकार के रोग जंतुओं में और जीव जंतुओं में उत्पन्न होंगे। और ओजोन परत क्षरण की जो चिंता है वो वैश्विक स्तर पर की गई है और यहाँ पर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को ओजोन क्षरण कैसे रोका जा सकता है और इसके दुष्प्रभाव को कैसे रोक सकते हैं इस पर विचार विमर्श किया जाता है। और ओजोन परत को रोकने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे जिसके कारण वातावरण में जो गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी जो गैसें हैं कार्बन का उत्सर्जन जितना कम होगा वातावरण में उतना ही ओजोन परत का की रक्षा होगी, ओजोन परत अपनी मोटाई बना रखेगा। तो दोस्तों ये थे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आपको बताए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।